वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, 2 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विज़ लगाते हैं, तो सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से देखिए, 2020 की पीसीएस परीक्षाओं के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या फिर बिहार पीसीएस या फिर राजस्थान पीसीएस, और इम्पोर्टेंट होंगे यूपीएससी के लिए भी कुछ प्रश्न। देखिए, यूपीएससी सिविल से हमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो करंट अफेयर्स के, मतलब उसका अलग सिलेबस है। उसमें जो स्पोर्ट्स के प्रश्न हैं, जो खेल संबंधी प्रश्न हैं, कोई नहीं आता है उसमें, खेल का एक भी प्रश्न नहीं आता है। और बाकी इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न हैं, राज्य स्तर की घटना या राष्ट्र स्तर की घटनाएँ, सब पूछ ली जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे यूपीएससी की हो या एसएससी की। तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर जो है वो कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो रेलवे ने अपने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। सोमवार को जारी एक आदेश के मुताबिक मंत्रालय ने आरपीएफ को संगठित समूह ए का दर्जा दिया है और इसका नाम बदल दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार कौन सी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। देखिए, सभी को पता है फिर से इंदौर को चुन लिया गया, लेकिन कौन सी बार चुना, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या पांचवी बार। तो देखिए, लगातार चौथी बार इसको, इंदौर को जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना है। और दूसरे स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश का ही भोपाल है। तो इंदौर मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के ही भोपाल को, राजधानी को, दूसरा सबसे स्वच्छ शहर। तो केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, और तो इंदौर को लगातार चौथी बार टॉप रहा, और भोपाल दूसरे स्थान पर है, जबकि सूरत जो है तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश के दो हो गए ना, एक तो हो गया इंदौर और दूसरा हो गया कैपिटल भोपाल, और तीसरे स्थान पर आया गुजरात का सूरत। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, देखिए फिर से एक बार फिर से विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हैं विनोद कुमार यादव, ये पहले भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे और फिर से बनाए गए हैं। तो विनोद कुमार यादव फिर से बने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। तो देखिए, भारतीय रेल विद्युत अभियांत्रिकी सेवा और 1980 बैच के हैं ये। विनोद कुमार यादव ने 1 जनवरी 2020 को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में फिर से पदभार संभाल लिया है। उनकी यह पुनर्नियुक्ति भारत सरकार के पदेन मुख्य सचिव के पद के समान स्तर पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल प्रदेश की जो अटल सुरंग है वो किसे जोड़ती है, किसको जोड़ती है। मनाली को धर्मशाला से जोड़ती है क्या, मनाली को श्रीनगर से जोड़ती है क्या, मनाली को शिमला को मनाली से जोड़ती है, या फिर मनाली को लेह से जोड़ती है। देखिए, जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम परिवर्तित किया गया था, अभी अटल सुरंग कर दिया गया है। और ये जो अटल सुरंग है ये मनाली को, हिमाचल प्रदेश के मनाली को लद्दाख के लेह से जोड़ेगी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले, कितने 100 विकेट लेने वाले देश के सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं। तो देखिए, ये बने हैं मुजीब उर रहमान। कौन बने हैं, मुजीब उर रहमान, अफ़गानिस्तान के हैं ये। तो यही हैं अफ़गानिस्तान के मुजीब उर रहमान, ये 18 वर्षीय हैं और 100 विकेट ले लिए इन्होंने T20 में, सबसे युवा हैं, नाम याद रखना इनका। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉमनवेल्थ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये प्रश्न कल या टेस्ट, कल या परसों के टेस्ट में भी दोहराया होगा कि अभी जो कैंसिलेशन जो है वो हटा दिया गया है। तो ये इंग्लैंड में होने हैं कॉमनवेल्थ गेम 2020। इंग्लैंड में कहाँ पर होने हैं, इंग्लैंड में होने हैं ये बर्मिंघम में। कहाँ पर होने हैं, बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम जो है राष्ट्रमंडल खेल, एक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल जो है वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के अंतर्गत आयोजित होने वाली एक प्रतियोगिता है, और इसका ध्येय वाक्य याद रखिए, मानवता, समानता और नियति। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका, लंदन संयुक्त राजशाही में। और इसका सचिवालय, राष्ट्रमंडल सचिवालय, माइकल फेनेल ओजे सीडी। और जाल स्थल है इसका राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने नए वर्ष 2020 के पहले दिन को
नो व्हीकल डे के रूप में मनाया है। नो व्हीकल डे मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा जो हाइड्रोकार्बन बाहर निकालता है ऑटोमोबाइल से। तो देखिए यह है राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने साल के पहले दिन को 2020 को नो व्हीकल डे के रूप में मनाया। तो देखिए राजस्थान के परिवहन मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नाम क्या है उनका, प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रताप सिंह खाचरियावास बुधवार को नो व्हीकल डे के अवसर पर साइकिल चलाकर अपने कार्यालय पहुंचे और मंत्री ने विभाग के सभी कर्मचारियों को पैदल, मतलब इन्होंने विभाग के सभी कर्मचारियों को पैदल साइकिल या सार्वजनिक परिवहन से कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए। और इसमें उन कर्मचारियों को छूट दी गई जो दिव्यांग है, मतलब अपना वाहन नहीं चलेगा, जैसे इवन ओड चलता है ना दिल्ली में, उसी तरह का थोड़ा कॉन्सेप्ट था ये। तो बात आती है राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान का जो जयपुर शहर है उसे हाल ही में मतलब 2019 में 38वीं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, याद रखना। तो 38 हो गई हैं इंडिया की यूएनओ में जो विश्व धरोहर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिम तेंदुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत हिम तेंदुए की आबादी और उसकी भौगोलिक सीमा का अनुमान लगाने के लिए अपना पहला सर्वेक्षण करेगा और इसका उद्देश्य आने वाले दशक में दुनिया में हिम तेंदुओं की आबादी को दोगुना करना है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भारत भूटान, भारत नेपाल भूटान चीन मंगोलिया रूस पाकिस्तान अफगानिस्तान किर्गिस्तान और कजाकिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान आदि देशों में मौजूद है हिम तेंदुआ, और इस सर्वेक्षण में भारत के साथ नेपाल मंगोलिया और रूस सहित हिम तेंदुए की मौजूदगी वाले देश भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और यह जो परियोजना है अब चार हिम राज्यों में, कहाँ कहाँ हिम तेंदुआ, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और सिक्किम में। अच्छा ये प्रश्न हाईलाइटेड क्यों है, क्योंकि अभी उत्तराखंड ने हिम तेंदुए अपना पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण करने जा रहा है उत्तराखंड। तो यही है हिम तेंदुआ, बिल्कुल सेम तेंदुए के जैसा है, बस ये बर्फ़ में रहता है और सर्वाइव कर सकता। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की युवा महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया है और शतरंज की यह प्रतियोगिता है और वे भारत की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं। तो हाँ है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखिए कोनेरू हम्पी का जन्म हुआ था 31 मार्च 1987 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में और वे भारत की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और उन्हें साल 2003 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और उन्हें साल 2007 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और साल 2015 में उन्होंने महिला विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता है। तो अच्छा महिला में तो इन्होंने जीत लिया कोनेरू हम्पी ने, पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता है, देखिए विश्वनाथन आनंद ने नहीं जीता ये, और एलियुड किपचोगे का नाम है यहाँ पर, इन्होंने विश्व एथलीट चैंपियनशिप जीती है 2019 की और ये केन्या के हैं, अभिजीत कुंटे भी नहीं। इसका उत्तर है मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन ने देखिए जो है पुरुष वर्ग में जीता है 2019 का वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप और महिला वर्ग में किसने जीता है, कोनेरू हम्पी ने भारत की। तो यही है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने तीसरी बार जीता है, कौन सी बार जीता है, तीसरी बार जीता है और ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, कहाँ के, नॉर्वे के। तो देखिए 10 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट होंगे 2020 में होने वाली परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।